जो भी नमाज पढ़ता है उसको ये नहीं पता कि नमाज में मांगता क्या हूं। मैं बड़े लोगों से पूछता हूं कि पांच वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, अब मांगते क्या अल्लाह से? आप तो सिर्फ पांच वक्त की नमाज में एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। किसको अल्लाह नेमतें बख्शेगा? जो सबसे कामयाब इंसान इस दुनिया में, उनको ही नेमतें बख्शी ना अल्लाह ने। वो कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब इंसान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनकी किसी की आसान जिंदगी नहीं थी। उस जब भी शुरू हुए लोगों ने मजाक उड़ाया, हर कुछ किया, उनके ऊपर क्या क्या तशद्दुद करने की कोशिश की, सब पैगंबरों के ऊपर। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। ये जो फेरी टेल्स में मैं कहता हूं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फेरी टेल्स में होता है। जिंदगी के अंदर जिस दिन आपकी स्ट्रगल खत्म होती है, आपकी जिंदगी नीचे चली जाती है। जिंदगी में प्लेटो नहीं होता, या आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। और जब तक आपकी स्ट्रगल है आप ऊपर जाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जितनी पावर दी है इंसान में, जितनी सलाहियत दी है, वो निकलती तब है जब वो इंसान अपने आप को चैलेंज करता है, एक मुश्किल वक्त का सामना करता है। ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप्स वो लोग हैं जो जिनमें हौसला होता है अपने आइडिया के पीछे जाना, और वो माशरा जो इन लोगों की मदद करता है, इनको इनकरेज करता है, वो माशरा ऊपर जाता है। ये जो फेलियर से डरना है ना, ये जो डरना है कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये कभी आज तक किसी इंसान ने बड़ा काम किया ही नहीं जो ये डरता है फेलियर से। इसलिए कुरान की आयत है, कुरान की आयत अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये खौफ जो है ये एक ह्यूमन पोटेंशियल को नीचे रखता है। बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता जो डरता है, हारने से डरता है, रिस्क चला जाए डरता है, जलील कर देंगे जी मुझे, मैं उससे खौफ ज्यादा होता है। जो मौत से डरता है वो कभी लोगों ने बड़ा काम नहीं किया। और खौफ, कुरान अल्लाह हमें कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं क्यों उनके खौफ दूर कर देता हूं, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के पास है, उसने इसलिए अपने पास रखी है, नहीं तो सारा वक्त हम मौत से डरते रहे। वो मौत का खौफ दूर करने के लिए उन्हें कहा तुम कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में। इज्जत जिल्लत, ये जो फेलियर है, जो लोग मुझे क्या कहेंगे, वो भी अल्लाह ने कहा जो मर्जी करो। शाम को मीडिया पे आपने जो मर्जी कहना इमरान खान के मुतालिक, इज्जत वो देने वाला है। कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं ले सकता, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। ये भी इंसान को आजादी दे देता है।